2000 में इनकी पहली मूवी आई कहो ना प्यार है। बजट था 10 करोड़, कलेक्शन था 80 करोड़ और ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद इनकी मूवी आई फिजा। इस मूवी का बजट था 5 करोड़, कलेक्शन था 35 करोड़ और ये मूवी हिट हो गई। इसके बाद इनकी मूवी आती है मिशन कश्मीर। इस मूवी का बजट था 20 करोड़, कलेक्शन था 44 करोड़ और ये मूवी एवरेज रही। 2001 में इनकी मूवी आई यादें। बजट था 20 करोड़, कलेक्शन था 35 करोड़ और ये मूवी फ्लॉप हो गई। इसी साल इनकी मूवी आई कभी खुशी कभी गम, न जुदा होंगे हम, ये है मेरे सनम। इसका बजट था 40 करोड़, कलेक्शन था 136 करोड़ और ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई। मूवी एक नंबर थी। 2002 में इनकी मूवी आई आप मुझे अच्छे लगने लगे। इसका बजट था 11 करोड़, कलेक्शन था 20 करोड़। भाई साहब ये मूवी फ्लॉप हो गई। इसी साल इनकी मूवी आई ना तुम जानो ना हम जाने। इस मूवी का बजट था 14 करोड़, कलेक्शन था 19 करोड़ और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर साबित हो गई। इसी साल इनकी मूवी आई मुझसे दोस्ती करोगे। इसका बजट था 11 करोड़, कलेक्शन था 32 करोड़ और ये मूवी एवरेज रही। 2003 में इनकी मूवी आई मैं प्रेम की दीवानी हूँ। बजट था 21 करोड़, कलेक्शन था 38 करोड़ और ये मूवी फ्लॉप हो गई। इसी साल इनकी मूवी आई कोई मिल गया। इस मूवी का बजट था 30 करोड़, कलेक्शन था 82 करोड़ और ये मूवी सुपर हिट हो गई। 2004 में इनकी मूवी आई लक्ष्य। बजट था 14 करोड़, कलेक्शन था 26 करोड़ और ये मूवी फ्लॉप हो गई। 2006 में इनकी मूवी आई क्रिस। इसका बजट था 40 करोड़, कलेक्शन था 127 करोड़ और ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई। 2006 में इनकी मूवी आई धूम 2। इसका बजट था 36 करोड़, कलेक्शन था 151 करोड़ और ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई। 2008 में इनकी मूवी आई जोधा अकबर। इसका बजट था 45 करोड़, कलेक्शन था 106 करोड़ और ये मूवी सेमी हिट रही। 2009 में इनकी मूवी आई लक बाय चांस। इस मूवी का बजट था 15 करोड़, कलेक्शन था 29 करोड़ और ये मूवी फ्लॉप हो गई। 2010 में इनकी मूवी आई काइट्स और इस मूवी का बजट था 65 करोड़, कलेक्शन था 88 करोड़ और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद 2010 में इनकी मूवी आई गुजारिश। इस मूवी का बजट था 40 करोड़, कलेक्शन था 30 करोड़ और ये मूवी फ्लॉप होना चाहिए था तो ये मूवी डिजास्टर हो गई। 2011 में इनकी मूवी आई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बात तो सही है। इस मूवी का बजट था 45 करोड़, कलेक्शन था 153 करोड़ और ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई। 2012 में इनकी मूवी आई अग्निपथ। इस मूवी का बजट था 60 करोड़, कलेक्शन था 195 करोड़ और ये मूवी सुपरहिट हो गई। 2013 में इनकी मूवी आई क्रिस 3। इस मूवी का बजट था 95 करोड़, कलेक्शन था 374 करोड़ और ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई। 2014 में इनकी मूवी आई बैंग बैंग। बजट था 160 करोड़, कलेक्शन था 340 करोड़ और ये मूवी सेमी हिट रही। 2016 में इनकी मूवी आई मोहन जुदारो। बजट था 115 करोड़, कलेक्शन था 107 करोड़ और ये मूवी फ्लॉप हो गई। 2017 में इनकी मूवी आई काबिल। बजट था 50 करोड़, कलेक्शन था 212 करोड़ और ये मूवी हिट हो गई। मूवी बहुत बढ़िया थी। 2019 में इनकी मूवी आई सुपर 30। बजट था 60 करोड़, कलेक्शन था 210 करोड़ और ये मूवी सुपर हिट हो गई। इसी साल इनकी मूवी आई वार और इस मूवी का बजट था 150 करोड़, कलेक्शन था 480 करोड़ और ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 2022 में इनकी मूवी आई विक्रम वेधा। इस मूवी का बजट था 175 करोड़। भाई साहब अभी इसके कलेक्शन के बारे में नहीं पता चल पाया है लेकिन हाँ अभी तक इस मूवी ने 80 करोड़ की कमाई कर ली है। तो दोस्तों ये था ऋतिक रोशन का फिल्मी कैरियर। अब आप बताइए अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना हाथ फेंक के मारिए, सब्सक्राइब हो जाएगा।